छठ पर्व को देखते हुए महानगर में ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है। 30 और 31 अक्टूबर को शहर के कई रूटों पर गाड़ियां प्रतिबंधित रहेंगी, जबकि कई रूटों पर डायवर्जन लागू रहेगा, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि 30 अक्टूबर दोपहर 2 बजे से 31 अक्टूबर 10 बजे तक डायवर्जन लागू रहेगा, जो दुर्गाबाड़ी, अलीनगर, बख्शीपुर, जुगनू तिराहा, टीपी नगर, राप्ती नदी पुल की ओर चारपहिया एवं तीन पहिया वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। वहीं घोष कंपनी से नखास की ओर जाएंगे, चरणलाल चौक तिराहा से घंटाघर, नॉर्मल टैक्सी स्टैंड से पांडेहता घंटाघर की ओर जाएंगे, हुमायूंपुर रेलवे ओवरब्रिज से गंगेस चौराहा, अलीनगर, बख्शीपुर घंटाघर की ओर जाएंगे, उग्रसेन तिराहा से बख्शीपुर विजय चौक, अलीनगर, चरणलाल चौक की ओर जाएंगे, खूनीपुर से बख्शीपुर की ओर घासीकटरा, मिर्जापुर से बख्शीपुर की ओर जाएंगे, लालडिग्गी से गीता प्रेस रेती चौक की ओर जाएंगे, फलमंडी से राजघाट पुल की ओर जाएंगे, जटाशंकर से अलीनगर की ओर और जामा मस्जिद से शाह मारूफ की ओर जाएंगे। वहीं लखनऊ संत कबीर नगर की तरफ से सोनौली देवरिया कुशीनगर जाने वाले वाहन नौसर से बाघागाड़ा रामनगर करजहाँ होकर जाएंगे। वाराणसी आजमगढ़ मऊ की तरफ से सोनौली देवरिया कुशीनगर जाने वाले वाहन नौसर से कालेसर की तरफ से जाएंगे। देवरिया से गोरखपुर होकर सोनौली देवरिया कुशीनगर जाने वाले भारी वाहन रामनगर करजहाँ से होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। फरेंदा की ओर से आने वाले भारी वाहन रोडवेज बस बरगदवा से डायवर्जन किया जाएगा। रेलवे बस स्टेशन से गोरखनाथ मंदिर की ओर से आने वाली रोडवेज बस से विश्वविद्यालय चौराहा, पादरी बाजार होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। नौसर चौराहे से टीपी नगर आने वाले वाहन बागागाड़ा कालेसर होते हुए जाएंगे तथा चार पहिया वाहन को आवश्यकता अनुसार डाइवर्ट किया जाएगा। अमर उजाला तिराहा से लखनऊ और वाराणसी की ओर जाने वाली बसें देवरिया बाईपास रामनगर करजहाँ होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगी तथा एम्बुलेंस, तीर्थयात्री वाहन व अन्य इमरजेंसी वाहनों को रोका नहीं जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, पूर्वांचल में और बिहार में हमारा गोरखपुर ये प्रमुख व्यापारिक वाणिज्यिक केंद्र है पूर्वांचल क्षेत्र का। छठ पूजा त्यौहार यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। काफ़ी भीड़भाड़ घाटों पर होती है। अर्घ देने के लिए महिलाएं, पुरुष, श्रद्धालुगण एकत्रित होते हैं। इसके लिए व्यापक रूप से शहर में ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है, जो कि सभी की सहायता के लिए, उनका रास्ता बताने के लिए मार्गदर्शन करेगी। और छठ पर्व को देखते हुए इंटरनल और एक्सटर्नल डायवर्जन किया गया है। ये डायवर्जन प्लान हमारा कल 30 तारीख को 2 बजे से शाम को 7 बजे तक और 31 तारीख को 2 बजे से 10 बजे तक का ये डायवर्जन है। इसमें जो लखनऊ संत कबीर नगर की तरफ से आने वाले वाहन हैं, इनको नौसर से बाघागाड़ा होते हुए रामनगर करजहाँ की तरफ जाएंगे भारी वाहन, और बनारस, आजमगढ़, मऊ की तरफ, बड़लगंज की तरफ से आने वाले वाहन नौसर से कालेसर की तरफ डाइवर्ट किए जाएंगे। कुशीनगर से गोरखपुर अथवा देवरिया से गोरखपुर आने वाले भारी वाहन जगदीशपुर कोनी से डाइवर्ट किए जाएंगे और रामनगर करजहाँ से डाइवर्ट बाघागाड़ा की तरफ किए जाएंगे। इसी प्रकार फरेंदा, पीपीगंज की तरफ से और रेलवे रोडवेज बस स्टेशन से सोनैली पीपीगंज, इधर के जो रोडवेज बसें और भारी वाहन हैं, इनका रूट बरगदवा से डाइवर्ट किया गया है। फर्टिलाइजर जोगिया, खजांची चौराहा, पादरी बाजार, कौवा बाग और मोहद्दीपुर होते हुए, और जो इधर से बसें जाएंगी वो भी इसी रास्ते से मोहद्दीपुर से खजांची चौराहा बरगदवा होकर वापस जाएंगी। नौसर चौराहा से टीपी नगर आने वाले वाहन बाघागाड़ा कालेश्वर होते हुए अपने गंतव्य पर जाएंगे और अमर उजाला तिराहा से लखनऊ और बनारस जाने वाले वाहन देवरिया बाईपास से रामनगर करजहाँ की तरफ डाइवर्ट किए जाएंगे। इसी प्रकार शहर में इंटरनल डाइवर्जन किया गया है। इंटरनल डाइवर्जन में दुर्गाबाड़ी, अलीनगर, बख्शीपुर से टीपी नगर की तरफ जाने वाले, राप्ती नदी पुल की तरफ जाने वाले समस्त चार पहिया और तीन पहिया वाहन, घोष कंपनी से रेती नखास जाने वाले, अलादातपुर से घंटाघर जाने वाले, नॉर्मल टैक्सी स्टैंड से बर्फ खाना, पांडेहाता,
और घंटाघर की तरफ जाने वाले हिमायूपुर रेलवे ओवरब्रिज से गंगे चौराहा अलीनगर जाने वाले, अग्रसेन तराज से बख्शीपुर जाने वाले, बेजा चौक से अलीनगर जाने वाले, खूनीपुर साहबगंज से जाने वाले, घासी कटरा से बख्शीपुर जाने वाले, लाल डिग्गी से गीता प्रेस रेती चौक रोड पर और फल मंडी से राजघाट पुल की तरफ, जटाशंकर से अलीनगर की तरफ तथा मदीना मस्जिद से शाह मारूफ की तरफ चार पहिया और तीन पहिया वाहन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किए गए हैं। उक्त प्रतिबंध जो है एम्बुलेंस और तीर्थयात्री वाहनों और इमरजेंसी वाहनों पर लागू नहीं होंगे। शेष सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित हैं। हमारा जो नो एंट्री का समय होता है उसमें परिवर्तन किया गया है। रात को 11 बजे से 30 तारीख की रात को 11 बजे से 31 की रात को 2 बजे तक मात्र 3 घंटे के लिए नो एंट्री खोली जाएगी ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। हमने सभी प्रमुख स्थान जहां पर छठ पूजा संपन्न होनी है वहां जाने वाले सभी रास्तों पर सभी चौराहों तराहों पर ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी सभी श्रद्धालुओं को गाइड करने के लिए उनको फैसिलिटेट करने के लिए लगाई है और इसी के साथ सभी गोरखपुर वासियों को छठ पूर्व पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।